हेलो जी, हेलो जी। देखो जी, मैं क्या बनाने वाली हूँ। मराठी में क्या बोलते कल्पना? गुड़ आंबा। गुड़ आंबा बोलते हैं पंजाबी में, मराठी में गुड़ आंबा, और हम लोग बोलते हैं गुड़ का गलका, गुड़ और आम का गलका। कच्चा वाला केरी जो है, आम लेना है, उसको छीलना और उसके लंबे लंबे पीसेस काटने हैं, और गुड़ डाल के इसको बनाएंगे जी। बड़ा ही टेस्टी बनता है जी। ये छील के इसके पीसेस करेंगे और गैस पे जाके रखेंगे, बहुत टेस्टी बनता है। ये गर्मी के मौसम में आम का गलका बनाते हैं, इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और अचार के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बहुत टेस्टी होता है, हम बचपन में खाते थे, और मैं आज ट्राई करने लगी बनाने के लिए, तो आप लोग के लिए भी वीडियो बना रही हूँ। देख के बनाइए और खाइए, आंबा सा गलका, पंजाबी और मराठी मिक्स हो गई। ठीक देखो जी, जैसे केरी लेनी कच्ची वाली, पकाओ आम नहीं, कच्चा केरी जो होता है ना वो लेना है। भी किया ना। हाँ, लंबे लंबे कर, अच्छे लगते इसके लग, और पतले कर थोड़े। करते ना, कचरा तो नीचे को फेंक रही है, टोकरी लेके आती ना। भर लेगी उसमें। देखो जी, ऐसे लंबे लंबे पीसेस कर लेने हैं जी। हमने आम काट लिए हैं जी, कच्ची कैरी, दो आम लिए हैं। इसमें क्या डालना है हमको, थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा काली मिर्ची, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं, पिसा हुआ जीरा, जीरा ज्यादा लेंगे, काली मिर्ची कम लेंगे, और थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक, और गुड़ लेंगे खूब सारा। गुड़ ज्यादा लगेगा क्योंकि आम खट्टे होते हैं। सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें अपना एक चम्मच, जरा सा तेल डाला जी, हल्का सा, और इसमें डालेंगे ये मसाला। देखो जी, यहाँ पे तेल है, बस उतने ही हमने थोड़ा सा डाल देना जी मसाला। जीरे से ना टेस्ट इसका अच्छा आता जी। बस थोड़ा सा इसमें मसाला, और साथ में डाल दें आम। जीरे से आपकी प्यारी प्यारी खुशबू। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, हमारे घर पे ऐसे ही बनता था बचपन से। और डाल देंगे अपना गुड़, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी। कुछ लोग इसमें व्हाइट शक्कर डालते हैं, लेकिन हम शक्कर नहीं डालेंगे, हमने प्योर गुड़ डाला जी। अभी इसको स्लो गैस के ऊपर पकाएंगे, नरम हो जाएंगे। सॉरी, लगने लग गया था जी। देखो जी, ये जीरे का ब्लैक कलर दिख रहा है क्योंकि मैंने अभी ताजा ताजा पीसा, एकदम ताजा जीरे का, बहुत सुंदर टेस्ट आता है इसमें। और नमक आप टेस्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं नमक। और पानी डालेंगे, मैं इसमें आधा ग्लास पानी डालूंगी ताकि ये चिपके नहीं, और स्लो गैस पे इसको ढक के पकाना है। आम थोड़ी देर में 15-20 मिनट में हो जाएंगे सॉफ्ट, गुड़ भी पूरा पिघल जाएगा, और बहुत ही टेस्टी वाला ये गुड़ का गलका बनता है। इसको चटनी बोलिए, कुछ भी बोलिए, बनने के बाद दिखाती हूँ कैसा बनता है। ये पुरानी डिश है, ये आजकल ये बनती नहीं है लोगों के घरों में, बहुत कम बनती है, लेकिन मैं बचपन में खाई है तो मुझे याद है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी। ये गुड़ का आम का गलका, इसको आम का गलका बोलते हैं जी, आम की चटनी भी बोल सकते हैं। चलो जी, इसको ढकते हैं, ढक्कन लाओ, कांच का ढक्कन दो, अच्छा वाला, ये वाला, ये दे। चलो जी, अभी ये स्लो गैस के ऊपर पकेगा, 5-10 मिनट लगेंगे, पूरे आम नरम हो जाएंगे, गुड़ भी पिघल जाएगा, सॉफ्टी हो जाएंगे, तो इसको टर्न करेंगे। देखो जी, देखो, पैन में से निकाल दिया हमने, इसमें 5-10 मिनट लगे, और ढक ढक के बहुत ही प्यारा सा हो गया जी ये मेरा गलका। देखो कितना सॉफ्ट है, थोड़ा ठंडा करके आपको दिखा रही हूँ कि एकदम सॉफ्ट, देखिए ऐसे नरम, हाथ लगाएंगे ना एकदम सॉफ्टी। ओ, अभी भी गर्म है। तो बस ऐसा आपको खाना जी बना के, एकदम गर्मी के मौसम में बहुत टेस्टी लगता है जी, रोटी के साथ भी खा सकते हो, और अगर आपको इसका जूस बना के पीना ना तो भी पी सकते हैं। दो तीन आम खाली लीजिए, और मिक्सर इतना आम लेके दो, जैसे 4 पीस आपने निकाले, एक चम्मच मिक्सर में मैश करो, उसमें ठंडा पानी डालो, और ऐसे आम का ये जूस भी आप बना के पी सकते हो। इसको फ्रिज में रख दो, आपको बहुत ही मजा आएगा खाने को। दो कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, और थोड़ा सा निकाल के उसको मिक्सर में मैश करके ऊपर ठंडा पानी डाल के ऐसे भी पी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, और प्यारे प्यारे वीडियो देखते रहिए जी, मेरे कच्चे आम का गलका। एंजॉय।
देखो जी, देखो कितना प्यारा।